हेलो एंड वेलकम टू मानवी क्लासेस दिस इज मोहित झा अगर आपने मेरी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए जाके और कमेंट डाउन करके बताना कि आपको वो कैसे लगे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट विद फोर्थ चैप्टर ऑफ योर महाराष्ट्र हिस्ट्री टेक्स्ट बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स पार्ट वन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स यानी हमारे भारतीय कला का इतिहास क्या रहा था और उससे हम क्या सीख रहे हैं कैसे आगे बढ़ा है क्या डेवलपमेंट हुई है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आर्ट्स व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट्स आर्ट्स यानी कला का क्या मतलब होता है कला मतलब जब एक इंसान को अपना एक्सपीरियंस या अपना अनुभव अपना विजडम यानी अपनी नॉलेज और सबसे इंपॉर्टेंट अपना इमोशन या फिर अपनी भावना प्रकट करनी होती है अपनी भावनाओं को दूसरों को जताना होता है तो वो यूज करता है आर्ट्स का मीडियम ठीक है आर्ट यूज करता है आपको आर्ट यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव नॉलेज चाहिए होगी ठीक है आपको आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए आपकी जो इमेजिनेशन पावर है या फिर जो आपका इमेजिनेशन स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए आम लोगों से आपका जो स्टेट ऑफ इमोशन है ठीक है स्टेट ऑफ इमोशन का क्या मतलब होता है स्टेट ऑफ इमोशन मतलब कि जब आपको बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाता है आप बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपका जो आ, भाव, आपकी जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई गव, काफी गहरा सदमा पहुंचा होता है तो ये स्टेट ऑफ इमोशन इंपॉर्टेंट है स्किल्स इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें एक आर्टिस्टिक क्रिएशन बनने में हेल्प कर दिया अब इसका क्या आर्टिस्टिक क्रिएशन कैसे क्या होता है क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा होगा आर्ट का मतलब जब एक इंसान अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस अपना इमोशन सब साथ में लाता है और उसको मिक्स करके कुछ ऐसा करता है जिससे वो एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिएशन बन जाता है एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव चीज बन जाती है उसी को हम बोलते हैं आर्ट आर्ट कुछ भी हो सकता है चाहे वो पेंटिंग हो पेंटिंग के थ्रू निकला हुआ अपना नॉलेज हो अपना विजडम हो अपने इमोशंस हो या डांस डांस के थ्रू भी लोग अपने इमोशंस को अपने नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस को जताते हैं सिंगिंग आज के टाइम पे ये जो एक और आर्ट निकल के आया दैट इज रैपिंग उससे भी काफी ज्यादा लोग अपने इमोशन अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने रखते ये सारी इमेजिनेशन पावर्स के ऊपर बेस्ड होती है ये सारे आपके स्किल्स के ऊपर बेस्ड होती है तो आई होप आपको समझा होगा व्हाट डू मीन बाय आर्ट नेक्स्ट इज विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स आर्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है एक है विजुअल आर्ट और एक है परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसा आर्ट जो आप सिर्फ देख सकते हो और एक ऐसा आर्ट जो परफॉर्म किया जाता है आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ टू टाइप्स विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स अब ये तो इंग्लिश में बोला जाता है पुराने टाइम से ये चीजें चलती आ रही है तो संस्कृत में या फिर एंशियंट लैंग्वेज में इसको बोला जाता था द्रिक कला टू दूजुअल आर्ट यूजुअल आर्ट को दृक् कला बोला जाता था और परफॉर्मिंग आर्ट्स को ललित कला या तो अंगिक कला अंगिक कला यानी द पार्ट ऑफ योर बॉडी विच आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्म करते टाइम आपके बॉडी पार्ट्स परफॉर्म करते हैं तो इसलिए अंगिक कला Many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. It proves that the origin of usual art is as old as the Stone Age man. अब हमने बहुत सारे cave paintings भी देखे थे last के chapters में। तो वो cave painting prehistoric time के, यानी old age time के हैं। तो हमें ये पता चल रहा था कि जो दृश्य कला या फिर जो usual arts है, वो बहुत पुराने arts हैं। स्टोन एज के टाइम के आर्ट से प्री हिस्टोरिक रॉक के टाइम का ये जो भी आर्ट फॉर्म है वो तब से डेवलप ठीक है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ विजुअल आर्ट्स और द्रिक कला द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिजा इज आल्सो विजुअल आर्ट क्योंकि आप इन सब चीजों को देख सकते हो बहुत सारे ऐसे अदर पेंटिंग्स है स्कल्पचर्स है ठीक है बहुत सारे स्कल्पचर्स भी बनाए जाते हैं तो ये सारे किस के पार्ट्स है विजुअल आर्ट के पास यानी पार्ट्स है यानी दृक कला के पार्ट्स है टाइप्स है नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स और अंगिक कला तो ये देख सकते हो परफॉर्म किया जा रहा है डांस एक टाइप का परफॉर्मिंग आर्ट्स है देन प्ले इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्म कर रहे है, तो होप आपको एक एग्जाम्पल एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा क्या होता है विजुअल आर्ट और क्या होता है परफॉर्मिंग आर्ट आपके पेंटिंग का एग्जाम्पल देख सकते हो ये प्री हिस्टोरिक एज के टाइम पे ऐसे पेंटिंग्स बनाए जाते थे जो स्टोन एज मैन के टाइम पे पाया गया है तो हमें पता चलता है कि जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत पुराना स्टाइल है स्टोन एज के टाइम का स्टाइल है फोक नेक्स्ट इज फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स, अभी जो ट्रेडिशन है आर्ट्स के वो दो टाइप के ट्रेडिशन है एक है फोक आर्ट्स और एक है क्लासिकल आर्ट्स अब क्या डिफरेंस होता है फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट में एक एक करके हम जानते हैं फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट इज अ ट्रेडिशन दैट हैज कंटिन्यूड फ्रॉम द टाइम्स ठीक है दोनों ही प्रीहिस्टोरिक टाइम से चले आ रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज दल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग फोक आर्ट जो है वो नॉर्मल लोग जो हमेशा डे टू डे लाइफ में करते हैं उनके नेचुरल पार्ट है उनके लाइफ का उसको हम फोक आर्ट बोलेंगे द हम इज स्पेनियस स्पोन्टेनियस मतलब जो एकदम से निकलता है जो हमारे स्वभाव में ही रहता है एक साथ मनाते हैं एक साथ मस्ती करते हैं और इंजॉय करते हैं क्लासिकल आर्ट ऑन दी अदर हैंड इज एक्सप्रेस्ड विद इन दस्टेब्लिश्ड फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल क्लासिकल आर्ट ये सब नेचुरल लोगों का पार्ट डे दे टू डे पार्ट का नहीं होता है लाइफ उनका वो हर कोई इंसान नहीं करता है ना ही सब लोग मिलके उसको एक साथ एंजॉय करते हैं डांस करते हैं सिंगिंग करते हैं ऐसा कुछ भी बट ये जो है वो कोई स्पेशली स्पेशलाइज इंसान करता है कोई एक्सपर्ट इंसान करता है और उसके काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इट नीड्स अ प्रोलोंग्ड प्रोलोंग्ड मतलब काफी लंबा ट्रेनिंग टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट्स दिस इज फोक आर्ट्स ठीक है जैसे हम देख सकते हैं वर्ल्ड फेमस दया भाभी डांस कर रही है तो गरबा गरबा इज ऑल्सो फोक आर्ट ठीक है नेक्स्ट इज लावनी लावनी इज ऑल्सो फोक आर्ट अभी ये जो आर्ट है ये डांस फॉर्म्स के आर्ट फोक आर्ट जैसे सिंगिंग में भी होता है पेंटिंग में भी होता है वेरियस अदर टाइप्स में भी फोक आर्ट्स पाए जाते हैं बट ये ज्यादा समझने में आसानी होता है इसलिए मैंने डांस को लिया ये सारी चीजें हर कोई करता है आपको इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती ठीक तो है उसमें इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता आपको जहां करना है जब करना है आप डांस कर सकते हो तो ये इसको बोलते हैं फोक आर्ट्स ये लोगों के नेचुरल इंस्टिंग होता है ये स्पॉन्टेनियसली निकलता है कोई अच्छा इवेंट आया तो चलो डांस करते हैं चलो लावनी करते हैं गरबा करते हैं या तो सिंग गाते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हमारे फोक आर्ट्स में डिपेंड करती है फोक आर्ट्स में आती है एक्जिस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आते हैं तो ये भरतनाट्यम है इसमें देखो जो मेकअप है या फिर जो कॉस्ट्यूम्स है वो वेल well डिफाइंड होते हैं आप इसी कॉस्ट्यूम्स में डांस कर सकते हो जो पोचर्स है डांस स्टाइल के पोचर्स वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए और ये आप हाँ, हर कहीं जगह पे नहीं कर सकते रस्तों में नहीं कर सकते कोई भी अच्छा इवेंट आया तो आप नहीं कर सकते उसके लिए एक, एक प्रोलॉन्ड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है बहुत सारे रूल्स होते हैं ये कथकली है तो कथकली में आप देख सकते हो कि कैसे कॉस्ट्यूम्स चाहिए होते हैं कैसा मेकअप चाहिए होता है ठीक है तो ये डिफरेंस होता है फोक आर्ट्स में और परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स भी बहुत टाइप के होते हैं सिंगिंग में होते हैं शास्त्रीय संगीत जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय संगीत होता है फिर पेंटिंग्स में भी परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं तो ये सारी चीजें ट्रेडिशंस है arts के है है ठीक अपना अपना अलग अलग artist अपना अलग अलग काम करता है, उसका अलग अलग मेथड होता है वो करने का इट इज नोन एज द आर्टिस्ट वो धीरे धीरे जब फेमस होता है उसका स्टाइल उसका जो आर्ट है तो वो उसका उसकी पहचान बन जाता है वे जैसे एग्जाम्पल पद्मावती बाजीरा मस्तानी के फेमस जो डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली तो वो जैसा काम करते हैं और वैसा कोई और काम नहीं करता तो वो फेमस हो गए अपने काम के लिए उनकी काम उन, उनसे परफेक्शनिस्ट उनको बोला जाता है अ स्टाइल इज अडोप्टेड बाई मेनी आर्टिस्ट ओवर अ ओवरोंग पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम अ ट्रेडिशन सच ट्रेडिशन गेट एस्टेब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल इसका क्या मतलब होता है अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो कि आपने कभी अपने टाइम पीरियड में आप, आप जब बच्चे थे जब आप अप, जब आपका टाइम था तो क्या आपने कभी रैप के बारे में सुना होगा क्या तो उनका जवाब आएगा नहीं क्यों नहीं क्योंकि ये जो रैपिंग का जो आर्ट है वो अभी स्टार्ट हुआ है एक जन ने स्टार्ट किया होगा लोगों को अच्छा लगा होगा तो वो उस इंसान की पहचान बन गई होगी वो आर्ट वो आर्ट जैसे उसकी पहचान बन गई होगी तो लोग उससे सीखने आए होंगे उससे सीखने आए होंगे तो वो जो ट्रेडिशन वो जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन बन गया होगा तो आज के टाइम पे जो रैप है वो ट्रेडिशन बन गया है सच ट्रेडिशन कैज एस्टेब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल तो आज के टाइम पे हम रैपिंग को भी एज एन आर्ट स्टाइल ले रहे हैं तो ये जो एक कोई भी आर्ट कोई भी एक आर्ट फॉर्म है वो कैसे जन्म लेता है कैसे फैलता है वो सब कुछ स्टाइल ऑफ आर्ट्स में डिपेंड करता है अब style, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं अलग अलग कल्चर्स होते हैं so, सो हर एक रीजन का अपना अलग अलग सा स्टाइल होता है ऑफ आर्ट्स अब खाने की बात करें तो हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में अलग खाना बनता है साउथ इंडिया में अलग टाइप का खाना बनता है नॉर्थ ईस्ट में अलग टाइप का खाना बनता है तो अलग अलग आर्ट स्टाइल होते हैं तो ये सारे स्टाइल पढ़ने में कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलती है हिस्ट्री से नेक्स्ट इज इंडियन ट्रेडिशन ऑफ यूजल आर्ट्स यानी दृक कला तो हम फर्स्ट यूजल आर्ट्स के ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं दी आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्प्टिंग आर आर्ट्स पेंटिंग एंड मैंने पहले ही आपको फोटो में दिखाया है मोनालिजा और स्कल्पचर्स के बारे में आर्ट आर्ट एंड ऑफ पहले हम पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं पेंटिंग आर टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल्स मतलब दो दो हिस्से होते हैं उसके दो डायमेंशन होते हैं फॉर एग्जाम्पल स्केचेस जैसे आप सबको बताए कि वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन फोर डायमेंशन ऐसे बहुत सारे डायमेंशन होते हैं तो ये जो पेंटिंग है वो सिर्फ टू डायमेंशन का होता है स्केचेस और पेंटिंग ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअलिटी तो ये सब चीजें हम टू डायमेंशन से देखते हैं थ्री डी जो होता है थ्री डायमेंशन जो होता है वो अलग दिखता है हमें वो थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक दिखता है दे आर डन ऑन वेरियस सर्फेस सच एज रॉक ठीक है रॉक पे पेंट किया जाता है वॉल्स पे किया जाता है पेपर कैनवास और डिफरेंट टाइप्स एंड अर्द्स पॉट्स पे भी जाते हैं जो देखते हो, कभी -कभी आप अपने विलेज में जाते हो तो पॉट्स पे भी पेंटिंग दिखते होंगे तो ये सारे पेंटिंग्स विजुअल आते हैं द म्यूरल ऑफ बोधिसवा एट अजंता केव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग तो बोधिसवा बोधिसवा का क्या मतलब होता है जो बुद्धा के पात पे चलते उनको बोधिसवा बोलते तो एक पेंटिंग है बोधिसवा का अजंता uh, केवज में वो फाइनेस्ट uh, एग्जाम्पल है पेंटिंग का आर्ट ऑफ पेंटिंग का नेक्स्ट इज फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग रॉक पेंटिंग टू स्टोन स्टोनेज है ये जो स्टोन एज के टाइम से जो पेंटिंग कर चली आ रही है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग कंट्रीज में भी जैसे इजिप्ट हो गया चाइना हो गया इन सब जगहों पे भी हमें स्टोन एज पेंटिंग मिली है इन in इंडिया देर आर रॉक पेंटिंग साइड इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन सब जगहों पे हमें रॉक कट रॉक पेंटिंग्स मिली है द रॉक पेंटिंग्स इन द केव एट भीम बेटका भीम भेटका बहुत फेमस है यहाँ पे सबसे पहले हमें केव पेंटिंग मिली है और बहुत ज्यादा मिली है इसलिए भीम भेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है वो हमने अप्लाइड हिस्ट्री में पढ़ा है तो जैसा आप ये देख सकते ये सारी जो पेंटिंग्स है वो सब हमें भीम भेटका में मिली है तो भीम बहुत ही फेमस एंशियंट साइट है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है क्योंकि हमें बहुत कुछ जानने मिलता है हिस्ट्री के बारे में बिकॉज ऑफ भीम भेट का केव पेंटिंग्स रॉक पेंटिंग यूजली डिपिक्ट्स ह्यूमन एनिमल्स एंड जियोमेट्रिक फिगर्स हाउ द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स की सीम्स टू बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दी कल्चरल चेंज फ्रॉम स्टोन एज टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर तो इस पेंटिंग में जैसे आप देख सकते हो कि जैसे एक इंसान बनाया गया तो दो ट्रायंगल को मिलकर बनाया गया है आप वेरियस अदर भी देख सकते हो तो ये रेक्टेंगल को बना के बनाया गया है ठीक है इधर भी आप देख सकते हो तो जो पेंटिंग्स है इधर भी ट्रायंगल को लेके बनाया गया है तो जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी पुराने टाइम पे ये सारी पेंटिंग्स जियोमेट्रिक फिगर्स को लेके बनाई जाती थी ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल इन सबको यूज करके बनाया जाता था ना कि हम आज के टाइम पे जो ह्यूमन फॉर्म्स बनाते हैं एनिमल फॉर्म्स बनाते हैं वैसे बनाया जाता था और जो ये पेंटिंग्स है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है स्टोन एज के टाइम पे कैसी थी और फिर एग्रीकल्चर जब बिगिन हुआ तो कैसे चेंज होने लगी ये सब हमें केव पेंटिंग या रॉक पेंटिंग में देखने मिलता है द चेंज इज विजिबल इन द डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड fauna, और इट मे बी एविडेंट इन the स्टाइल ऑफ portraying वेरियस फिगर्स एंड also इन the कल दैट वर used. तो so, ये हमें चेंजेस कब देखने मिले कैसे देखने मिले हम कैसे पता चला कि चेंजेस आए तो फ्लोरा और fauna में चेंजेस आने लगे फ्लोरा एंड fauna बताया है मैंने Comment down डाउन करके आपको बताना है कि फ्लोरा का क्या मतलब होता है fauna का क्या मतलब होता है क्योंकि मैंने तीन लेक्चर तीन videos में आपको बताया है क्या होता है फ्लोरा एंड fauna का मतलब तो फ्लोरा एंड फोना डिपिक्ट करके जो डिफरेंस पता चला है कि स्टोन एज के टाइम पे कैसे फ्लोरा एंड फोना थे और आज के जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ उसके टाइम पे कैसे फ्लोरा एंड फोना थे तो हमें पता चला है कि क्या डिफरेंस है और साथ ही साथ वेरियस अदर फिगर्स भी अलग चेंजेस होने लगे ठीक है कलर्स से हमें पता चलने लगा कौन से कलर्स यूज किए जाते थे जैसे ब्लैक रेड एंड व्हाइट यूज किए जाते थे अभी सारे कलर्स नहीं यूज किए जाते थे क्योंकि कलर्स भी वो लोग नेचुरल सब्सटेंसेस से निकालते थे जिनके पास नेचर में चीजें होती थी उनसे वो ये कलर्स बनाते थे तो ब्लैक रेड एंड व्हाइट कलर यूज किया जाता था रॉक पेंटिंग में अब इनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं जैसे रेड कलर जो पेंटिंग है वो वॉर और हंटिंग के लिए या फिर लड़ाई और हंटिंग के लिए यूज किया जाता था ग्रीन कलर जो है वो डांस कर रहे हैं जब फैमिली साथ में है जब सब एक साथ आ रहे हैं तो व्हाइट ग्रीन कलर यूज किया जाता था व्हाइट कलर जो है वो वर्शिप करने के लिए और एनिमल के लिए यूज किया जाता था तो वेरियस अदर कलर असाइंड किए थे उन्होंने अलग अलग फिगर्स के लिए with the help of rock painting we can understand the knowledge of ancient people about their natural surrounding and also the way they exploited available natural resources exploited मतलब कैसे वो यूज करते थे जो नेचर में जो चीजें हैं उनका यूज करके अपना जो काम है वो चलाते थे आज भी हम एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को वो भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके ही अपना काम करते थे the tradition of rock art of painting closely resembles the style of painting customs such as decorating the house walls courtyards rangavali by drawing various figures and symbol or using panels of paintings to narrate story help to develop regional style of folk painting ab ye jo folk painting hai wo kahi na kahi hame ancient uh, jo टाइमलाइन है painting का उसी से मिली है रंगोली का क्या मतलब होता है जो हम घर पे घर के बाहर rangoli बनाते हैं तो उसमें भी हम वेरियस फिगर्स का ही यूज करके बनाते हैं रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल ऐसे ही करके ही हम पेंटिंग बनाते हैं तो ये जारी और पेंटिंग्स के थ्रू ही आज के टाइम पे भी हम स्टोरीज बताते हैं हम स्टोरी नरेट करते हैं वो भी तो स्टोरी ही नरेट कर रहे थे कि क्या चल रहा है उनके आसपास वो पेंटिंग के थ्रू बताते थे तो आज के टाइम पे भी हम वही कर रहे हैं। तो हमारा जो फोक आर्ट जो फोक पेंटिंग है वो कहीं ना कहीं स्टोनेज मैन से ही इंस्पायर्ड हुआ है तो आज का जो पार्ट है वो यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं मैं अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को काफी अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट देख के और कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे पूछिए होप आपको आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंजॉयबल एंड नॉलेजेबल दोनों लगा होगा मैं जल्दी आऊंगा नेक्स्ट पार्ट के साथ टिल देन टेक केयर बाय